हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको लेडीज़ कैप या बेबी कैप, आप बच्चों के लिए इसको बना सकते हैं या लेडीज़ के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो हम आज आपको एक कैप बनाना सिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ऊन ली है और 10 नंबर की इसमें यह सिलाई ली हुई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फंदे डालेंगे हम, ये धागा छोटा ही रखेंगे हमें, सिर्फ यहाँ पर 25 फंदे डालने हैं। देखिए, 2 3 4 5 ऐसे हम 25 फंदे इसमें डाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 5 फंदे ही उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हम सीधे फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखिए 13 फंदे मैंने बना लिए। और उसके बाद 5 फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये देखिए बना लिए। और फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया। उसके बाद उल्टी हम पूरी रो उल्टी बनाएंगे। यहाँ पे हमें कोई फंदा उल्टा सीधा नहीं करना है, पूरे उल्टे उल्टे फंदे बना लेंगे इसके हम। और आप अगर पट्टी थोड़ी चौड़ी चाहें तो आप यहाँ पे 25 के जगह आप इसमें 28 फंदे कर सकते हैं या 30 कर सकते हैं। और तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं हम किस तरह से पट्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये इस तरह की पट्टी बनाई हुई है ये कैप के लिए। तो यही हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, इस पूरी रो को हम उल्टा कंप्लीट कर लेंगे और ऐसी हम लास्ट तक पूरी रो बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये फंदा, एक ये, 2 3 4 5 5 फंदे बना लिए, धागा यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे ये देखिए 13 फंदे बना लिए। और उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से और उल्टी रो पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधी रो पे हैं, पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 4 5 5 फंदे हमने बना लिए। और यहाँ से देखिए, इसको हम फिर पलटेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा बनाया, दूसरा भी बनाया, मतलब इस रो को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें 6 रो कंप्लीट करनी है। देखिए, 5वीं रो हम बना रहे हैं, अगर आपको चौड़ी पट्टी चाहिए इससे तो आप यहाँ पे 5 की जगह 7 फंदे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे मैंने 13 लिए हैं, आप यहाँ पे 15 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं अगर आपको इससे और चौड़ी चाहिए। ये देखिए, मेरी 26 फंदे की बनी हुई है। हम आपको ये 25 फंदे में सिखा रहे हैं। तो अब देखिए, ये उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे,
अब देखिए फिर से फ्रेंड्स उल्टी रो हम पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पांच रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स पहला फंदा फिर उतारेंगे और इस धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये पांच फंदे हम उल्टे फिर से भी ऐसे ही इन पांचों फंदों को हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे बराबर बनाते जाना है। अब इसको यहीं से पलटेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो सीधे फंदे बने इनमें हम देखिए पहला फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा बुन लेंगे, फिर ये वाला फंदा हम इसी के ऊपर डालेंगे, फिर देखिए दूसरा फंदा बुनेंगे, अब ये वाला फंदा इसके ऊपर डालेंगे, फिर बुनेंगे ये वाला फंदा, फिर इसके ऊपर डालेंगे। इन फंदों को जो ये बीच में तेरह फंदे इनको हम बंद करेंगे, देखिए इस तरह से इसको इस तरह से ऊपर डालते जाएंगे और दूसरा फंदा हम बनाते जाएंगे इस तरह से, देखिए ऐसे ही, ये देखिए ये देख ऐसे उतारते जाएंगे इनको। और जो उल्टे फंदे हैं लास्ट में उनको हम उल्टा ही बनाएंगे, ये देखो। अब देखिए यहाँ पे दो चार पांच पांच फंदे बचे हैं, हमें पांच रखने हैं तो इस एक फंदे को और उतार देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बीच में तेरह फंदे उतार लिए और इस धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये और चार ये, इनको हम लास्ट में उल्टा बुन देंगे। तो ये लास्ट में मेरे दोनों तरफ पांच पांच फंदे बचे हुए हैं और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहीं से पलटेंगे इसको। अब ये मेरे पाँच फंदे हैं साइड में, तो पहले हम इनको बनाएंगे पाँचों फंदों को। पांच फंदे बनाने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे ये सिलाई खाली हो गई, तो अब यहाँ से इस धागे को जिसको हम पकड़े हैं यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह जो मैंने फंदे यहाँ उतार दिए उनको मैंने ये यहाँ पे भर लिया। अब देखिए ये वाले फंदे पांच फंदे हम इसी में फिर बुन देंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पांचों फंदे को बुन लिया, बीच में तेरह फंदे हमने भर लिए। उसके बाद यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, देखिए पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, पांच फंदे इस तरह से हम उल्टे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहीं से धागा पलटेंगे हम और जो मेरे तेरह फंदे इनको हम सीधा बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में यहाँ पे पांच फंदे उल्टे बनाए थे फिर तेरह फंदे सीधे बनाए थे, ऐसे हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये इसी तरह से स्टार्ट होगा, तो देखिए ये थोड़े फंदे टाइट हैं, आप आराम से इनको बना लें, देखिए ये देखिए इस तरह से बनाते हुए जाएंगे इनको, जो ये तेरह फंदे हैं बीच में इनको हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। इस तरह से बनाएंगे और पांच फंदे हैं लास्ट के हम उल्टे बना लेंगे, जो मेरे उल्टे वाले फंदे हम हमेशा उल्टे ही बनाएंगे, जो बीच के फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए यहीं से फिर पलटेंगे और उल्टी रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे बना के। ऐसे हम उल्टे उल्टे फंदे बनाते जाएंगे, इसमें बहुत ही आसान है, इसको आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। ये देखिए अब देखिए फ्रेंड्स फिर से पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे और बनाएंगे, मतलब पांच फंदे हो जाएंगे शुरुआत में। ये देखिए पांच फंदे हो गए, यहीं से इसको पलटेंगे, फिर हम तेरह फंदे सीधे बनाएंगे।
अब देखिए पांच फंदे फिर हम लास्ट में उल्टे बनाएंगे। यहीं से पलटेंगे, उल्टी रो फिर उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमें छह रो बनानी है, ये छह रो क्या पैटर्न है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी एक दो तीन चार चार रो बन चुकी हैं। ये पांचवी हम सीधी बनाएंगे और छठ में उल्टी बनाएंगे। छठ में उल्टी बनाने के बाद आपको हम दिखाते हैं, पहले ये सीधी बनाएंगे, पांच फंदे ये उल्टे बना लेंगे, फिर सीधे फंदे, उसके बाद पूरी रो पीछे वाली हम उल्टी बना के कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे उल्टी भी कंप्लीट कर ली है। यहीं से फिर इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, पांच फंदे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने ये फंदे यहाँ पे बंद किए थे वैसे हम फिर से इनको करेंगे। देखिए धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा बुनेंगे और दूसरा भी बुन के, और इस फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर दूसरा बुनेंगे, फिर इसको हम इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर तीसरा बुनेंगे। ऐसे ही हम इस पूरी पट्टी को बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से बना लेंगे और फिर उल्टे साइड से जब आएंगे तो इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे फंदे भरे थे ऐसे ही हम 13 फंदे बीच में फिर भर लेंगे। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा ज़्यादा फंदे रख सकते हैं। तो ऐसे ही हम इस पट्टी को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे मैंने ये इस तरह से पट्टी बनाई हुई है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये 26 पट्टियाँ इसमें बना ली हैं और हम ये लेडीज़ के लिए बनाएंगे, मतलब फुल साइज का बनाएंगे, इसलिए मैंने इसमें 26 पट्टी बनाई है। आप अगर बेबी का बनाना चाहते हैं तो 22 पट्टी या 20 से 22 आप बना लें इसमें, अगर छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम, अब आपको इसकी हम छोटी सी बनाना सिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम जहाँ से मैंने शुरू किया था इसको यहीं से पकड़ेंगे, ये जो है इसको हम यहीं से घुमाएंगे ऐसे। ये देखिए ये है जो यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे, और ये वाली पट्टी है हम इसी में से इसको निकाल लेंगे ऐसे। फिर देखिए फ्रेंड्स एक बार और इस पट्टी को पकड़ेंगे और ऐसे घुमा के, और इस वाली पट्टी को हम, ये देखिए जो सीधी पट्टी है इसको हम यहीं से इसमें डाल लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से यहाँ आएगी, और फिर दूसरी पट्टी हम यहाँ से लेंगे, दूसरी पट्टी को हम इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर से ये पट्टी लेंगे एक और इसके अंदर से हम निकालेंगे ऐसे। ये देखिए ये चोटी की तरह बनती जा रही है, इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे इस तरह से। ये हम एक बार इसको ट्राई करके देख चुके हैं इसलिए ये मेरी इस तरह से दिख रही हैं, आपकी बिल्कुल ये सीधी सीधी दिखेंगी। तो आप इनको ऐसे ही पकड़ के और इसके अंदर से आप, आपको ये उल्टा उल्टा सा लगेगा लेकिन नहीं, ये डिजाइन बन रही है, तो आप इसी तरह से बनाते जाएं इसको और ऐसे ही हम, ये देखिए फ्रेंड इस तरह से ये बनती हुई जाएगी, और ये वाली लास्ट वाली पट्टी भी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक बची हुई है, अब यहाँ पे ये मेरे फंदे हैं, तो हम इन फंदों को सबसे पहले बंद कर, सबसे पहले आप इस तरह की पट्टी बना लें और लास्ट में यहाँ पे आके देखिए फंदे बंद करेंगे, दो का एक करेंगे, इस फंदे को इसी पे ले आएंगे, फिर दो का एक करेंगे, इस फंदे को इसी पे ले आएंगे, फिर दो का एक करेंगे, ऐसे ही हम जो मेरे ये बचे हुए फंदे हैं इनको हम बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बंद करते हुए जाएंगे,
इसको अब बीच में ये यहाँ पे खुला है तो इसको आप ऐसा ही रहने दें, बस केवल ये जो इसी में मिला के फंदे बंद कर दें। इस तरह से इनको हम बंद करते जाएंगे और लास्ट तक इनको हम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बंद कर दिया और इस धागे को हम यहीं से कट कर देंगे। इस धागे को कट करके इसमें से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक पट्टी बची हुई है इसको हम इसी में से निकाल लेंगे। अब क्या है, अब फ्रेंड्स देखना, आप ये सोचोगे ये यहाँ से निकल गई, तो आपको इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देना है। आपको अब इसको टच नहीं करना है, आप सिर्फ इसको ऐसे ही बना रहने दें। और ये देखिए पूरी पट्टी, आप इसकी लंबाई नाप सकते हैं, ये लेडीज के लिए आराम से पट्टी बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से किसी को भी आराम से ये पट्टी आ जाएगी। और अब उसके बाद हम यहीं से इसमें, अब देखिए जिस तरह ये मेरी इस तरह से बनी हुई है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। जब हम इस पूरा कैप बना लेंगे तब ये सिलने में काम आएगी। इसको हम सिल के बंद करेंगे तो हम आपको यहाँ दिखाएंगे। तो आप दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ, चाहे इस तरफ, दोनों तरफ बराबर बराबर फंदे हैं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, या तो फिर ऐसे यहाँ से भर सकते या फिर यहाँ से फंदे उठाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें ये दूसरा कलर लिया है, हम दो कलर का बनाएंगे और आप भी दो कलर का बनाएं तभी ये ज़्यादा अच्छा आएगा बनने के लिए, एक कलर का भी बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो साइड से मेरी ये चैनें बनी हुई हैं, पहला फंदा जो हमने उतारा था उसी की ये चैन बनी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम यहीं से, जहाँ से मैंने फंदे डाले थे वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। तो पहली चैन, ये देखिए पहली चैन है, तो यहीं से हम इसमें फंदे भरेंगे। देखिए इस तरह से मेरा एक फंदा भर गया। अब दूसरी चैन में से हम दूसरा फंदा उठाएंगे इस तरह से, तीसरी चैन में से तीसरा फंदा उठाएंगे, चौथी चैन में से यहाँ चौथा फंदा उठाएंगे, फिर पाँचवें में से पांचवा फंदा उठाएंगे, छठवें में से छठवां फंदा उठाएंगे और सातवें में से सातवां फंदा उठाएंगे। ऐसे ही हम जितनी सारी चैन है यहाँ पे, कम से कम आप अगर लेडीज के लिए बनाएंगे तो कम से कम 110 चैन हो जाएंगी बनाते बनाते ये पट्टी को। तो हम यहाँ पे 110, 112, 115 लगभग में जितने रो हो जाएंगे उतने ही फंदे हम यहाँ पे उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 105 फंदे भर लिए, मेरे यहाँ पे 105 फंदे हुए हैं। और इसी तरह से आपके अगर 5 से 1-2 फंदे कम ज़्यादा, 2-4-5 फंदे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 105 फंदे हमने यहाँ पे ये भर लिए। अब यहीं से देखिए फ्रेंड्स, पहली रो हम उल्टी बनाएंगे इसी कलर से, ये देखिए इस तरह से, ऐसे ही हम पूरी रो उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे फंदे भरने के बाद इस तरह से। पूरी ऐसे ही हम उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 105 फंदे भर लिए, मेरे यहाँ पे 105 फंदे हुए हैं। और इसी तरह से आपके अगर 5 से 1-2 फंदे कम ज़्यादा, 2-4-5 फंदे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 105 फंदे हमने यहाँ पे ये भर लिए। अब यहीं से देखिए फ्रेंड्स, पहली रो हम उल्टी बनाएंगे इसी कलर से, ये देखिए इस तरह से, ऐसे ही हम पूरी रो उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे फंदे भरने के बाद इस तरह से। पूरी ऐसे ही हम उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट तक हम ऐसे ही इसको बना लेंगे। ये देखिए लास्ट तक हमने पूरी रो को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, सीधे तरफ से हम
पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं से हम इसमें डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तीन फंदे का हम एक फंदा करेंगे। यहाँ पे ये हम डिजाइन बनाएंगे, तो तीन फंदे का एक फंदा किया, फिर तीन फंदे का एक फंदा किया, ये देखिए इस तरह से तीन तीन फंदे का हम एक एक फंदा करेंगे। ये तीन फंदे की डिजाइन है और सिर्फ दो रो की डिजाइन है, बहुत ही आराम से आप इसको बना लेंगे। ये देखिए तीन का एक किया, फिर हम इसको तीन का एक करेंगे, फिर तीन का एक करेंगे, ऐसे ही हम पूरी रो को बना लेंगे तीन का एक करके ऐसे, इस तरह से। देखिए तीन तीन फंदे का एक एक फंदा बनाते हुए और पूरी लाइन हम इसको ऐसे ही बना लेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हम यहाँ पे तीन का एक कर लेंगे। ये देखिए, अब फ्रेंड्स आप सोचोगे सारे फंदे कम हो गए हैं तो ये पूरा कैप कैसे बनेगा, तो यहीं से देखिए उल्टी रो में हम आपको ये अभी बता रहे हैं। देखिए अभी इसकी केवल एक रो बनी हुई है डिजाइन की। अब देखिए यहीं से ये वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इस तरह से बड़ा बना के उसके बाद हम इस धागे को इसके ऊपर से लेके और फिर हम दूसरा फंदा एक और बनाएंगे। जो मेरे तीन फंदे यहाँ पे कम हुए हैं वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए इस पर इसको हमें खींचना नहीं है ज़्यादा। ये देखिए एक फंदा बनाया और दूसरा इस पर ऐसे लिया, फिर तीसरा ये बना लिया, फिर देखिए दूसरा फंदा यहाँ से लिए, एक फंदा ऐसे बनाया, फिर धागे को ऊपर से इसके ऊपर से ले आए और यहाँ पे ऐसे। ये देखिए जो मैंने तीन का एक किया था, अब यहाँ पे ये तीनों फंदे बन जाएंगे, एक एक ये दो और ये तीन, ऐसे तीन तीन फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से, जैसे ये फंदा है इस पे ऐसे लिया और इस धागे से ऐसे करके इस फंदे को थोड़ा ढीला बनाया, फिर इसी धागे से हम ऐसे सिलाई के ऊपर से लेके और इसी में डाल के फंदे में, फिर ऐसे ये तीन फंदे हो गए। जैसे पहले मैंने तीन का एक किया था उसी तरह से ये डिजाइन बनेगी। देखिए इस तरह से एक दो तीन, फिर देखिए ऐसे ऐसे ही हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हम पूरा बना के और यहाँ तक बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट कर ली। अब देखिए अब यहीं पे हम यहीं से अब हम सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये जो फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से जो तीन फंदे हैं, फिर ये तीन फंदे हैं, ऐसे ही हम इन सबको ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो हम सीधी सीधी बनाते हुए जाएंगे। ये यहीं तक दो रो का डिजाइन है केवल, आप इसको बिल्कुल आसानी से बना लेंगे,
कोई कठिन नहीं है। देखिए ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक ऐसे ही हम सारे फंदों को बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे अगली रो इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन इसकी आ रही है। आप लोगों को बहुत ज़रूर पसंद आएगी, सिर्फ आप इसको ट्राई करके देखें एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बन रहा है। ये देखिए इस तरह से, तो ये डिज़ाइन एक मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। अब यहीं से देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये जो मेरा दूसरा वाला कलर है, हम इसी को यहीं पे ऐड करेंगे। तो देखिए ये देखिए, पहले फंदे से ही हम इसको यहीं से इस तरह से पकड़ के ऐसे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस धागे को हम इसी में दबाते जाएंगे ताकि ये खुले नहीं, ऐसे ही हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। इसको इसी में दबा देंगे। यहीं से मेरी दूसरी डिजाइन इसकी यही वाली स्टार्ट होगी। ये पूरे फंदे उल्टे बना लेंगे, उसके बाद हम तीन का एक करेंगे, फिर तीन का एक करेंगे। ऐसे पूरी रो को हम तीन तीन का एक एक करके और पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने ये इतनी बनाई है, अब यही पैटर्न, यही पूरा इसमें कलर चेंज होता जाएगा और पूरा ऐसे ही बनेगा। ऐसे हम पूरी रो को उल्टा पूरी रो को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये डिजाइन बनाई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे मैंने ये 12 डिजाइन बना ली है। आप इस तरह से ये देखिए, ये पूरे कैप की लंबाई पूरी हो चुकी है। तो आप लंबा सिर के हिसाब से इसमें ये डिजाइन बना लें। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी मेरे पूरे फंदे हैं, कोई फंदा ना बढ़ाया है ना घटाया। पहला फंदा उतारेंगे और तीन का एक करेंगे, फिर से तीन का एक करेंगे, ऐसे ही हम पूरी रो में तीन का एक कर लेंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा। ये देखिए इस तरह से तीन का एक करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही हम लास्ट तक तीन का एक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, इसको हम सीधा बोल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन जब हम बना ये वाली डिजाइन हमने जब बनाई थी ये वाली, तो फिर यहाँ से तीन का एक करने के बाद हमने तीन तीन एक फंदे का तीन फंदा किया था। अब हमें वो नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट है। अब यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिए मतलब इनको हमें पहले फंदों को उतारना है। तो एक सुई में हम इस तरह से डबल करके धागा डाल लेंगे और ये देखिए एक एक फंदा ऐसे इस तरह से एक एक फंदा इसमें हम ले लेंगे सुई में। यहाँ पे हमें और फंदे कम नहीं करने, बस इतने तीन का एक करके ऐसे हमें निकाल लेना है। इस तरह से निकालते जाएंगे सारे फंदे और देखिए इसको ऐसे खींचते जाएंगे। इसी धागे में हमें ये सारे फंदे भरने हैं इस तरह से। देखिए एक एक फंदा लेते जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम सारे फंदे इसमें भर लेंगे सुई में।
इस तरह से। ऐसे ही हम सारे फंदों को निकालेंगे इसमें। ये देखिए लास्ट वाला फंदा भी इसी तरह से हम इस और ये सिलाई को निकाल देंगे। इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए इधर भी निकल गया और मेरा इधर भी यहाँ पे धागा है ये। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये उल्टी साइड है इस तरह से और ये सीधी साइड है। तो उल्टी साइड से हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए उल्टी साइड है अंदर की तरफ, सीधी साइड है। तो जो ये दोनों तरफ के धागे हम इसको पकड़ लेंगे ऐसे और यहाँ पे बहुत टाइट से खींच के इसको इसमें हम गांठ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम अच्छी तरह से खींच के ऐसे दो तीन गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे गांठ लगाने के बाद ये धागा हम सब कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये उल्टे तरफ से इसको यहाँ पे धागे को काट दिया। अब देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से है और इसको ये उल्टा करेंगे ऐसे और ये जो चोटी की ये निकली हुई है इसको हम यहीं पे ऐसे रखेंगे और इस तरह से देखिए अंदर की तरफ से इसको हम ऐसे पूरे को यहाँ से और यहाँ तक सिलेंगे। तो देखिए चाहे आप यहाँ से सिल सकते हैं चाहे यहाँ से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलना इसको। देखिए सबसे पहली चैन में से इसको हम यहाँ से धागे को उठाएंगे और ऐसे इस तरह से यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलना। अब देखिए चैन में लाते हुए इसकी ऐसे सिलते जाएंगे। दोनों तरफ से एक एक चैन उठाएंगे और ऐसे सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे ये चोटी है इसको हम इसी में दबाते हुए आराम से पकड़ लेंगे और ऐसे दबाते हुए सिल देंगे। इस तरह से चैन की ये और इस तरफ दोनों तरफ से हम ऐसे उठा के इनको सिलते जाएंगे। फिर से देखिए ऐसे इसको इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मेरी ये इस तरह से सिल गई है। और अब ये देखिए ये ऐसे इस तरह से मिलाते हुए इनको भी हम सिलते जाएंगे। इन दोनों को पकड़ के ऐसे हम सिलते जाएंगे चैन में ला के ऐसे। और इसको हम यहाँ ये चोटी तक इसकी सिल लेंगे। ये देखिए लास्ट तक हमने इसको सिल दिया है यहाँ पे और सिलने के बाद इसको हम ऐसे पक्का कर देंगे।
और धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड है। अब देखिए इसको हम सीधा करके दिखाएंगे ये किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए अंदर की तरफ से इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से कैप बन चुका है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।